नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पर्किंसन डिजीज़, यानी शरीर में कपकपी कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसे ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जिसका आप सेवन करेंगे और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पर्किंसन डिजीज़ यह इस समय की सबसे बढ़ती हुई समस्या है। इसका सबसे मेन कारण है कि यह नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से मनुष्य के शरीर में कपकपी होने लगती है। इसका एक और कारण है कि यह जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पिता को वह बीमारी हुआ हो। पर्किंसन डिजीज़ मनुष्य के नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। इसमें सबसे पहले शुरुआती दौर में हाथ के कंपन के द्वारा होता है। अब हम कुछ इसके लक्षण पर चर्चा करेंगे कि अगर मनुष्य के शरीर में इस प्रकार के लक्षण आते हों तो उसे पर्किंसन डिजीज़ ही हो सकता है। आइए दोस्तों, कुछ इसके विशेष लक्षण पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पर्किंसन डिजीज़ हमेशा एक हाथों से होता है और उसके बाद से पूरे शरीर में धीरे धीरे कंपन होने लगता है। इसमें कंपन हाथों में होता है, शरीर में होता है, मस्तिष्क में भी हो सकता है। शरीर में जकड़न, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत और दोनों पैर समान तरीके से रखने में दिक्कत, ऐसी समस्याएं होती हैं। जब किसी मनुष्य को पर्किंसन हो जाता है तो उसकी पूरी मांसपेशियां एकदम अस्वस्थ हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, कोई कार्य नहीं कर पाती हैं। इससे मनुष्य एकदम बेचैन रहता है, उसको अगली नींद में समस्याएं होती हैं और नींद पूरी तरह से ले नहीं पाता है। करवटें बदल बदल के पूरी रात रहता है, उसके शरीर में पूरी बेचैनी रहती है, वह ठीक प्रकार से सो नहीं पाता है। कभी बिस्तर पे इधर, कभी बिस्तर पे उधर, कभी उठ के बैठ जाना, इस तरह के हरकतें उसके शरीर में रहती हैं। दोस्तों, अगला है कि अगर जिस मनुष्य को पर्किंसन हो रहा है तो उसके पाचन संबंधित समस्याओं में गड़बड़ी होती है। एक तो भूख नहीं लगेगी, अगर वह खाएगा भी तो उसे पूरी तरह से वह भोजन पचेगा नहीं। इससे शरीर में थकान बना रहता है, वह बेचैन रहता है। मानसिक स्थिति की बात करें तो उसका दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं करता है, हमेशा उटांग पटांग हरकतें करता रहता है, किसी पे भी गुस्सा हो जाता है। अब अगला, अगर बात करें कि उसकी शारीरिक संरचनाएँ कैसी होती हैं, उसकी शारीरिक संरचनाएँ जो होती हैं बिल्कुल बिगड़ जाती हैं। वह खड़ा होता है तो हिलता डुलता रहता है। आवाज़ की बात करें तो रोगी हकलाता हुआ बोलता है, किसी भी बात को ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है, तुतला के बोलता है। उसके शरीर में घबराहट और उसके आवाज़ में भी घबराहट बनी रहती है। और अगर सूंघने की क्षमता की बात करें तो उसके नाक से सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, वह किसी भी वस्तु को ठीक प्रकार से सूंघ नहीं पाता है। पेशाब की बात करें तो पेशाब का रिसाव धीरे धीरे होता है, टपक के होता है, उसे पेशाब करने में दिक्कत होती है, दर्द भी होता है। मिजाज उसका हमेशा उठ पटांग तरीके का होता है, वह हमेशा बेचैन रहता है कि किसी को भी कुछ भी कह सकता है। चेहरे पे हमेशा उदासी छाई होती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमेशा चिंता ग्रसित होता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के सभी लक्षण अगर किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं तो आप बेहिचक यह समझ लें कि यह पर्किंसन का मरीज है। उसके शरीर में यह कपकपी हमेशा बनी रहती है। आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपके लिए सबसे इफ़ेक्टिव और ज़ोरदार असर करने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूँ। अगर इसे नियमित रूप से सेवन करते हैं तो रोगी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे ना मात्र भी ऐसी समस्याएं
नहीं रहेंगी, या रोगी को जन्म के बाद हुआ हो या जन्म से ही हुआ हो, या अगर उस रोगी के परिवार में किसी को भी हुआ हो उसके बाद भी अगर इस रोगी को हुआ है, तो ऐसी सारी समस्याएं उसे ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल घबराए ना, जिस दवा को जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार से ठीक ठीक प्रकार से लेना है, आप पूरी तरह से पार्किंसन से ठीक हो जाएंगे। आइए अब हम होम्योपैथिक में सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो लेके आए हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। दवा को ठीक प्रकार से समझेंगे कि इस दवा का उपयोग कैसे लेना है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज की दवा थोड़ी लंबे समय तक चलती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट से इस प्रकार की केवल खाली ग्लोब्यूल्स लेके आएंगे जिसमें कोई भी दवा मिक्स नहीं हो, और एक ऐसी छोटी डिब्बी भी लेके आएंगे। इस छोटी डिब्बी में इसमें से 12 गोली आप निकाल लेंगे, और 12 गोली निकालने के बाद से इसमें डालेंगे। जैसे इसमें डालेंगे आप इसमें जो दवा बताएंगे उस दवा को मिलाएंगे। जैलिसीमियम 1 एम एक बैग की लेके आएंगे। यह लगभग 145 रुपया इसका MRP है। इसको ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद से 4 बूंद इसमें डालेंगे। 4 बूंद डालने के बाद से इसको बंद करेंगे और इस ढक्कन को भी बंद करेंगे। दवा स्टार्ट करने से पहले इसमें से 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम में देना है। इस दवा का नाम है जैलिसीमियम। यह जो दवा आपको लेना है स्क्रीन पे लगा है। इस दवा को हर 15 दिन पे एक बार लेना है। अगली दवा है 5-FAS-6X। इस दवा को टैबलेट फॉर्म में रहेगा। इस दवा को 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार चूसना है, जीभ पे डाल के और इसे चूसना है, और चूसने के तुरंत बाद हल्का गुनगुना पानी पीना है। इस दवा को नियमित रूप से आप डेली ही लेंगे। यह है एवेना सटाइबा क्यू, यह मदर टीचर इस दवा को बोलते हैं। यह लिक्विड फॉर्म में आएगा। इस दवा को आधे गिलास पानी में 10-10 बूंद दिन में आप 4 बार लेंगे। एवेना सटाइबा दवा लेने के आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है, आप पानी पी सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करें। दोस्तों, थोड़ी कुछ और इसमें परहेज को ध्यान में रखना है और इसमें क्या करना है। अत्यधिक आप देखें तो आपको ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। अपने भोजन में हमेशा ऐसे पदार्थ का सेवन करें जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े, आपके नसें मजबूत हो। अत्यधिक आप ताकत वाले वस्तु को सेवन में लाएं, जैसे बादाम, काजू, मुनक्का। आप ज़्यादातर से ज़्यादातर अपने शरीर में मालिश करवाएं। अगर आपके शरीर का जो नस है वह कमज़ोर होता जाता है तो मालिश से ठीक होगा। यह ध्यान रहे कि उस मालिश में कपूर का उपयोग न करें, केवल साधारण जैतून के तेल से मालिश करा सकते हैं। अगर जैतून का तेल नहीं है तो सरसों के तेल से भी मालिश करा सकते हैं, लेकिन अगर जैतून के तेल से मालिश कराते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। सुबह कुछ एक्सरसाइज करें, जैसे भ्रामरी कर सकते हैं, आप उद्गीत कर सकते हैं यानी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो नसें होती हैं आपकी खुलेंगी, और भ्रामरी से जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क की जो नसें एकदम शिथिल पड़ गई हैं, जो सोई हुई हैं, वह जागृत अवस्था में आएंगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसका पूरा ख्याल रखें। जिस प्रकार से आपको पूरे वीडियो में जो जो दवाएं कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर आप पूरा इसका उपयोग में लाएंगे तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहें।
अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एकदम बेहतरीन मेडिसिन लेके आएंगे। और जितनी भी ये वीडियो हैं ये सब एक रिसर्च करके ही वीडियो बनाई गई हैं। इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको पार्किंसन डिजीज से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।